दोस्तों अभी अभी ब्रेकिंग न्यूज आई कि यूपीपीसीएस आयोग ने कहा है कि झुकेगा नहीं साला, तुम लोग स्ट्राइक करके हमको फ्लावर समझ लिए थे क्या? नहीं, हम फायर हैं। यूपीपीसीएस आयोग अब फायर बन चुका है और धड़ाम धड़ाम दो नोटिफिकेशन लेके आ गया और अपने मन का किया। जो उस दिन स्ट्राइक किया गया था, लड़कों ने प्रोटेस्ट किया था, उसका कोई असर नहीं पड़ा और जो उसका करना था वही किया। इसीलिए आयोग ने जस्टिफाई कर दिया कि झुकेगा नहीं साला, यानी सब स्टूडेंट क्या हैं, फूल हैं, बाकी सब वो फायर हैं, समझ। तो इसमें हम देखेंगे हेलो एंड वेलकम टू अवर व्यू स्टडी आईएएस। तो दोस्तों, सिविल सर्विस एग्जाम के प्रिपरेशन में सबसे इम्पॉर्टेंट एंड कठिन टॉपिक करंट अफेयर का होता है और स्टूडेंट करंट अफेयर की सही और सटीक तैयारी के लिए हमेशा टेंशन में रहते हैं। तो दोस्तों, करंट अफेयर के इम्पॉर्टेंस और डिफिकल्टी को समझते हुए आपके टेंशन को दूर करने के लिए हम करंट अफेयर सीरीज एट 6 PM की क्लास लेके आए हैं, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा और ये आपके लिए बिल्कुल भी फ्री में प्रोवाइड नहीं की जाएगी। इसके लिए आपको पे करना पड़ेगा और पे करने के लिए आपको बस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कम से कम अपने 3 दोस्तों को शेयर करना होगा। दोस्तों, करंट अफेयर सीरीज एट 6 PM के 3 लेवल हैं। अगर आप तीनों लेवल को हॉनेस्टी से फॉलो करते हैं तो आपका एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ये 100% गारंटी है कि सभी एग्जाम में क्वेश्चन इसी करंट अफेयर से आएंगे जो हम आपको बता रहे हैं। तो दोस्तों, हमारा जो 3 लेवल है उसको हम लोग एनालिसिस कर लेते हैं और देख लेते हैं कि क्या क्या 3 लेवल होगा। तो पहला लेवल हम लोग का होगा करंट अफेयर डेली विथ MCQ। तो इसमें आपको डेली करंट अफेयर मिलेगा जिसमें 5 सब्जेक्ट वाइज टॉप क्वालिटी के क्वेश्चन होंगे, सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट भी इंक्लूड किया जाएगा। ये डेली आपको मंडे से फ्राइडे 6 PM पर मिलेगा। ये हमारा फर्स्ट लेवल है। सेकेंड लेवल इज करंट अफेयर विथ MCQ। करंट अफेयर जो वीकली करंट अफेयर रहेगा जिसमें हमको आपको क्विज के माध्यम से पूरा करंट अफेयर पूरा वीक का इसमें डिस्कशन डिटेल में डिस्कशन किया जाएगा। ये भी एवरी संडे को 6 PM पर मिलेगा और इसमें हम लोग का सिलेबस जो इंक्लूड है करंट अफेयर का उसको भी देख लीजिए। तो इसमें है नेशनल न्यूज, इंटरनेशनल न्यूज, इकोनॉमी, स्पोर्ट्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, पर्सन न्यूज, सबमिट एंड कॉन्फ्रेंस और मिसलेनियस। तो सभी को हम लोग इंक्लूड करेंगे ताकि करंट अफेयर से कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आए तो गलत ना हो और हमको 100% क्वेश्चन का उत्तर मिले हमारे करंट और हम अपनी सीट एक पक्की करा पाएं। और इस सब को रिवीजन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हम जानते हैं कि जब भी हम रिवीजन पढ़ाई करते हैं 25% 24 घंटा के अंदर भूल जाते हैं और हफ्ता भर में हम केवल 25% ही हमको याद रहता है। इसलिए हम कहेंगे कि इसका रिवीजन भी इंपॉर्टेंट है। तो रिवीजन के पर्पज से हम 3 वीकली करंट अफेयर लेके आएंगे जो क्विक रिवीजन होगा और एवरी सैटरडे को 6 PM पर मिलेगा। ये तीनों लेवल है प्रीमी के लिए रामबाण है। कोई भी प्रीमी एग्जाम दे रहा हो सबके लिए रामबाण है। आप UPSC दे रहे हो, PCS दे रहे हो, आप BPSC दे रहे हो, RO का दे रहे हो, सभी एग्जाम के लिए रामबाण है। तो दोस्तों, हम ये कहेंगे तीनों लेवल को आप ईमानदारी से फॉलो कीजिए और अपना एक सीट पक्का कीजिए जिसके लिए आप कोई भी टेंशन नहीं लेने की जरूरत है। आपका टेंशन फ्री होकर आप पढ़ाई कीजिए, बस सारा टेंशन हमारे ऊपर छोड़ दीजिए। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं करंट अफेयर सीरीज एट 6 PM की क्लास। आपका स्वागत है करंट अफेयर सीरीज एट 6 PM की क्लास में। ताकि ये जो मनमानी कर रहा है आयोग और बार बार बोल रहा है कि झुकेगा नहीं साला, तो इसको झुकना पड़ेगा, ठीक ना। तो चलिए डिस्कशन शुरू करते हैं। आयोग ने पहला ये नोटिफिकेशन लाया जो अभी आज 5 नवंबर को आया है, जिसमें ये बोल रहा है कि जो परीक्षा है उसकी तिथि दिया PCS आयोग का। तो यहाँ पर देखिए इसको डिटेल में अगर पढ़ते हैं तो इसमें बोल रहा है कि अतएव द्वारा सूचित किया जाता है कि विज्ञापन संख्या, कोई विज्ञापन संख्या 2023 में आई थी उसका 9/10/2023 को, ये विज्ञापन संख्या PCS एग्जाम से रिलेटेड थी वो आई थी उसका विज्ञापन, जिसमें समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी आदि प्रारंभिक परीक्षा 2023 का, ठीक है। तो प्रारंभिक परीक्षा ये PCS के, ठीक, जिसका शासनादेश दिनांक 19/6/2024 को आया था, ठीक ना। ये सब दुनिया भर का नोट है जिसमें 5, इसमें शासनादेश आया था जून में, जो परीक्षा लीक होने के बाद, पेपर आउट होने के बाद शासनादेश आया था कि उसमें क्या होगा कि 5 लाख से अधिक अभ्यर्थी होंगे तो एक शिफ्ट में कराया जाएगा, अगर ज़्यादा हो गए, अगर 5 लाख से कम विद्यार्थी, यानी 5 लाख से कम विद्यार्थी हैं तो एक शिफ्ट में एक बात होगी, यानी 5 लाख से कम विद्यार्थी हैं तो एक शिफ्ट में, ठीक, अगर 5 लाख से ज़्यादा हैं तो उसको एक से ज़्यादा शिफ्ट में कराई जाएगी। तो इसमें 10,000 से ज़्यादा, 10,500 के आसपास विद्यार्थी, इसलिए इसमें क्या होगा 22 दिसंबर को एग्ज़ाम होगा प्रथम पाली में, जो कि 9 बजे से 12 बजे तक चलेगा, और द्वितीय पाली में 2:30 बजे से 5:30 बजे तक चलेगा। फिर 23 तारीख को फिर वही कहानी, 23 दिसंबर को फिर वही 3 पाली, यानी RO का एग्ज़ाम जो है 3 पाली में होगी। तो आपको यहाँ पर दिखाई देगा कितना शिफ्ट, शिफ्ट 1, शिफ्ट 2 और शिफ्ट 3। तो शिफ्ट 1 में क्या है कि आपको मॉर्निंग शिफ्ट मिलेगा,
शिफ्ट टू में क्या है, इवनिंग शिफ्ट मिलेगा, और शिफ्ट थ्री में फिर मॉर्निंग शिफ्ट मिलेगा। और ये शिफ्ट वन और शिफ्ट टू जो है ये आपको 22 तारीख को होगा इसका एग्जाम, 22 दिसंबर को, और शिफ्ट थ्री 23 दिसंबर को, ठीक। ये नोटिफिकेशन आ गया है। फिर इसके बाद कौन नोटिफिकेशन आया है कि नॉर्मलाइजेशन का, ये नॉर्मलाइजेशन का क्या, कान पकड़ के उल्टा पकड़ने का आया था ना, कान आप सीधा ना पकड़, नाक पकड़ना, नाक सीधा ना पकड़ के उल्टा पकड़ लीजिए, ठीक ना। तो ये इसमें आया है नॉर्मलाइजेशन की जगह पे परसेंटाइल स्कोर बात किया, क्या कह रहा है, परसेंटाइल स्कोर, ठीक ना। तो इसको डिस्कशन करने से पहले पीसीएस का भी हम वो देख लेते हैं डेट क्या है। तो पीसीएस का डेट हम देखते हैं तो पाएंगे क्या यार कहाँ चला गया, ये पीसीएस का डेट है। तो ये 5 तारीख को आज ही एक आया नोटिफिकेशन, तो इसमें बोला है कि 7 और 8 दिसंबर को पीसीएस का एग्जाम होगा, और इसमें 2 दिन में होगा। तो 2 दिन में होगा कि तो इसमें 2 पेपर होगा, जीएस का फर्स्ट पेपर जो है वो आपको 9 से 11:30 बजे तक 2 घंटे में, और जीएस का सेकेंड पेपर जो इसको सी सेट बताता है उसको 2:30 से 4:30 बजे तक। तो ये आपका इसी के लिए विरोध में लड़के ने प्रोटेस्ट किए थे सभी जाकर आयोग के सामने, लेकिन कोई असर नहीं पड़ा इनका, वही तो कह रहे हैं झुकेगा नहीं साला, तो ये झुकेंगे नहीं, ठीक ना। तो डिटेल में देखते हैं कि क्या कहना चाह रहा है इसमें, ये भगवान ही जाने कि इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे या कैसे। और ये कहा गया कि ये विशेषज्ञों के द्वारा तैयार किया गया, और आयोग में कहाँ से विशेषज्ञ आ गए हैं भगवान जाने, इतना बढ़िया विशेषज्ञ हैं कि देखिए इसमें क्या बोल रहे हैं। 5 नवंबर को विज्ञप्ति आई है, एतदव द्वारा सूचित किया जाता है कि उत्तर प्रदेश लोक सहयोग द्वारा जारी किए विज्ञापन के सापेक्ष प्रारंभिक परीक्षाओं में जो अंतिम चयन हेतु श्रेष्ठता निर्धारित का आधार न होने तथा मात्र स्क्रीनिंग होने के उद्देश्य कराई जाती है। मतलब ये कहना चाहता है कि ये जो प्री का एग्जाम है ये स्क्रीनिंग होती है, छांटने का काम होता है, इसमें क्या अंतिम चयन नहीं होता, तो सबको मालूम है, ठीक ना। हेतु प्रदेश के समस्त जनपदों में शासनादेश दिनांक 19/6 यानी पेपर आउट होने के बाद जो जून में शासनादेश आया था उसको निर्धारित मानकों के अनुसार परीक्षा केंद्र उपलब्ध न होने के कारण एकाधिक दिवस और पालियों में कराए जाने का निर्णय लिया, यानी इनका क्या कह रहे हैं कि केंद्र उपस्थित नहीं है, मतलब कि इनके पास परीक्षा केंद्र ही नहीं है, समझ रहे हैं। इतनी बड़ी देश है यानी उत्तर प्रदेश एक देश के बराबर है, अगर इसकी जनता यूरोप में कितने देश इसमें समा जाएंगे, लेकिन नहीं, इनके पास परीक्षा केंद्र ही नहीं है, उपलब्ध न होने का एक दिन में, एक से ज़्यादा दिन में कराने की बात हो रही है। सेकंड पोजीशन में क्या बोल रहे हैं, किसी एक विज्ञापन में के सापेक्ष दिवसों पालियों में आयोजित कराए जाने वाली परीक्षाओं के मूल्यांकन प्रक्रिया संबंधित विषय की वस्तु परक समीक्षा कर अपनी अनुशंसा उपलब्ध कराने हेतु आयोग द्वारा लब्ध प्रतिष्ठित विशेषज्ञों की एक उच्च स्तरीय समिति गठित की गई। अब इस पर निर्णय लेने के लिए कि कई पालियों में कराया जाए कि एक दिन में कराया जाए, उच्च प्रतिष्ठित विशेषज्ञ, उच्च श्रेष्ठ, अब कौन सा विशेषज्ञ आया था, कि कहाँ से आया था, इंग्लैंड से कि अमेरिका से उठा के लाए थे पता नहीं, हमको तो लग रहा है कि एलियन थे सब, मंगल ग्रह से आए थे, ठीक ना, और मंगल ग्रह से आने के कारण उनको कुछ पते नहीं है, ठीक। तीसरा क्या है, देश के विभिन्न प्रतिष्ठित भर्ती निकायों यानी जितना देश में भर्ती होती है उनके निकायों के द्वारा, आयोगों द्वारा आदि किसी एक विज्ञापन के सापेक्ष एकाधिक अनेक से अधिक पालियों में दिवसों में कराए जाने वाले परीक्षाओं के मूल्यांकन हेतु पूर्व से प्रचलित व्यवस्था है सिविल अपील संख्या। अब यहाँ पर दुनिया भर के कोर्ट का केस दिए हैं, जजमेंट का ऑर्डर दिए हैं कि भैया इस केस में, क्या कोर्ट का आदेश है कि आप कर सकते हैं, ठीक ना। क्या अब यहाँ पर एक और दिया, राष्ट्रीय टेस्टिंग एजेंसी, क्या आप एक से ज़्यादा पालियों में करेंगे तो क्या आपको नॉर्मलाइजेशन या क्या बोलते हैं परसेंटाइल, तो ये नॉर्मलाइजेशन को ना करके परसेंटाइल के लेके आए, मतलब कि कान नाक आप सीधा ना पकड़ के घुमा के पकड़िए, लेकिन नाक तो पकड़ना है तो परसेंटाइल है। परसेंटाइल का फार्मूला ये दिए कि नंबर ऑफ कैंडिडेट ऑफ शिफ्ट, ठीक ना, कौन सा शिफ्ट, तो जे बोले हैं, जे कि आई लिखे हैं कि जे आइए, मान लीजिए आइए लिखें, हैविंग द रॉ स्कोर, रॉ स्कोर मतलब जो आप परीक्षाएं पाएंगे वो लेस देन या इक्वल टू एक्स आई जे। तो एक्स आई जे क्या है, ये तो हमको लग रहा है कि मैट्रिक्स सिखाएंगे, मैट्रिक्स में पढ़ते हैं मैथ में ना, आई टोटल एन जे। अब यहाँ बोल रहे हैं कि पी आई जे जो है परसेंटाइल स्कोर होगा किसके बराबर होगा, तो एक्चुअल मार्क यानी रॉ स्कोर के बाद कैंडिडेट का जो रॉ स्कोर आएगा यानी एक्स आई जे, ठीक। एन जे जो है टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट अपेयरिंग, यानी एन जे क्या है, टोटल जितना कैंडिडेट अपेयर होंगे शिफ्ट में, इन ए शिफ्ट यानी एक शिफ्ट में, ठीक ना। द परसेंटाइल स्कोर मे बी कंप्यूटराइज बाय राउंड ऑफ द अप टू 6 प्लेस ऑफ द डेसिमल, यानी 6 प्लेस तक इसको किया जाएगा, ठीक ना। इसको समझते हैं, अब समझने की कोशिश तो करना पड़ेगा क्योंकि सिविल सर्विस की एग्जाम तैयारी कर रहे हैं, तो आप जीएस मत पढ़िए, आप कुछ मत करिए, आप ये फार्मूला को डिस्क्राइब कीजिए और इसको एक्सप्लेन कीजिए, ठीक ना। आपके पास आयोग ने काम दे दिया है, ठीक। चौथा पॉइंट बोल रहा है, उत्तर प्रदेश आयोग के द्वारा गठित लंबित प्रतिष्ठित विशेषज्ञों की उच्च स्तरीय समिति की अनुशंसा सुनिश्चित गुणधर्मिक प्रदर्शन सूचित करने हेतु 2 या 2 से अधिक दिवसों में पारियों होने वाली वस्तुनिष्ठ प्रकार के परीक्षाओं में मूल्यांकन हेतु उक्त प्रक्रिया अपनाई जाएगी।
यहाँ यह भी कहना समीचीन होगा कि मूल्यांकन हेतु अपनाई जाने वाली उक्त प्रक्रिया कंप्यूटर सिस्टम द्वारा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम के माध्यम से होगी, यानी उनके मत यानी इनके पास आइंस्टाइन तो है नहीं कैलकुलेट करेगा है? तो इनके पास क्या है, कंप्यूटर से करवाएंगे। तदनुसार ही उक्त तरह की परीक्षाओं का चयन प्रक्रिया सुनिश्चित पूर्व की जाए। अब सोचिए कि ये बोल दिए हैं, अभी इसमें क्या स्टूडेंट तो जब से नोटिफिकेशन आया सब कोमा में चले गए, समझ ही नहीं आ रहा करें तो क्या करें, ठीक ना। अब तो कोमा से निकलना पड़ेगा सबको, कोमा से निकल के अपनी बात कहनी पड़ेगी, सरकार को हिलाना पड़ेगा, सरकार सो गई है, ठीक ना। अधिकारी तो उससे बड़ा चौपट हो गए हैं, पता नहीं वो भी स्टूडेंट तो रहे हैं टाइम पर, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक ना। तो ये निचोड़ क्या है, तो निचोड़ हम अगर देखते हैं तो इसको हमने कई पॉइंट में लाने की कोशिश की है, तो इसको समझने की कोशिश किया जाए तो निचोड़ क्या। आयोग द्वारा जारी की गई नोटिस में कुछ बातें स्पष्ट होती है। अब मुख्य परीक्षा के लिए चयन के लिए परसेंटाइल का आधार होगा, ठीक ना, परसेंटाइल का आधार लिया जाएगा। परसेंटाइल में 8 अंक होंगे और दशमलव के बाद 6 अंक होंगे, ठीक ना। अभ्यर्थी परसेंटाइल स्कोर बनाते समय उस अभ्यर्थी के शिफ्ट में यानी परसेंटाइल स्कोर बनाया जाएगा, तो उप शिफ्ट में जितने विद्यार्थी हैं उससे तुलना की जाएगी और परसेंटाइल स्कोर बनाया जाएगा। दूसरे शिफ्ट के विद्यार्थी यूँ या पेपर कठिनता के स्तर का प्रभाव अभ्यर्थी के परसेंटाइल स्कोर बनाने समय नहीं पड़ेगा। परसेंटाइल स्कोर बनाते समय उस शिफ्ट में परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों की संख्या को ही लिया जाएगा, न कि शिफ्ट फार्म भरने वाले अभ्यर्थियों की संख्या पर। तो यहाँ पर ये है कि जो ये कंक्लूजन निकल के आ रहा है कि जो लड़के फार्म भरे हैं 5 लाख 10 लाख उन पर नहीं, जो शिफ्ट में आपके जब अगर शिफ्ट में आपके 10,000 स्टूडेंट हैं तो 10,000 स्टूडेंट पर ही निर्णय लिया जाएगा, 10,000 स्टूडेंट पर ही निर्णय जाएगा। 10,000 स्टूडेंट दिए हैं आपका, अब वो 10,000 स्टूडेंट को नीचे लिख दिया जाएगा, ठीक ना। अब उसके ऊपर क्या होगा कि फिर आप यहाँ पर आपका रॉ स्कोर लिख दिया जाएगा, फिर आपका यहाँ पर फिर 100 से गुणा कर दिया जाएगा, फिर पता ना क्या क्या होगा, भगवान जाने, ठीक ना। परसेंटाइल स्कोर तो कोई समझाते तो ठीक आएगा, परसेंटाइल स्कोर बनाते समय उस शिफ्ट में परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों की संख्या को ही लिया जाएगा, ना कि शिफ्ट में फार्म भरने वाले की। ठीक, अब मेंस के लिए चयन की कट ऑफ परसेंटाइल के आधार पर होगी। अब जो कट ऑफ आता था वो परसेंटाइल के पर मार्क्स के आधार पर नहीं, उदाहरण के लिए आयोग की कट ऑफ इस तरह की होगी कि अब देखिए ये उदाहरण के लिए किस तरह के परसेंटाइल 9, 4.1, 2, 3, 4, 5, 6 के ऊपर के परसेंटाइल वाले को अब मुख्य परीक्षा के लिए पास होंगे, ठीक ऐसे होगा, ठीक ना। आयोग की इस नोटिस से संभवतः प्रतीत होता है कि आयोग को UPSSC की पेट की परीक्षा की तरह प्रत्येक अभ्यास को स्कोर कार्ड देना होगा और परसेंटाइल की कटाव बतानी होगी, लेकिन स्कोर कार्ड में पेट की तरह नॉमिनेशन स्कोर नहीं होगा, ठीक ना। यानी आपका स्कोर कार्ड तो आएगा और परसेंटाइल की कटाव बतानी होगी, लेकिन स्कोर जैसे नॉमिनेशन होता था पेट में बाद में वो नहीं होगा। अगर आयोग बिना स्कोर कार्ड और बिना कटाव के रिजल्ट निकाल देगा तो ये अभी अभ्यर्थियों के बहुत बड़ा धोखा होगा, अन्याय होगा और अभ्यर्थी अपने प्रदर्शन को लेकर अंधेरा में रहेंगे, हमेशा अंधेरा में। क्योंकि जब भी पहले क्या होता था कि पहले अभ्यर्थी से पूछ आप आस पास में पूछ के कि तुम्हारा कितना हुआ, कौन सा आंसर सही है, इसे मिलान करते थे, कोचिंग के उत्तर कुंजी से मिलान करते थे जो की आती थी और अपने परफॉर्म और कटाप का अनुमान लगाते। लेकिन अब क्या होगा, नियम के अनुसार ये होगा कि बिना स्कोर कार्ड और बिना कटाप के अपने प्रदर्शन का अनुमान लगाना असंभव हो जाएगा। तो ये आपका है, ठीक ना। तो आपको ये पॉइंट हमारा निष्कर्ष निकला है, तो अब क्या किया जाए, बोल रहा है इसीलिए मैं लगाया कि झुकेगा नहीं साला, इसीलिए थंबनेल ये लगाया हूँ झुकेगा नहीं साला UPSSC आयोग की, अब आयोग की मनमानी। तो अब देखिए अब जो एग्जाम आ गया है उसको तो करना पड़ेगा और पढ़ाई भी करनी पड़ेगी, अब कि प्रोटेस्ट करें कि पढ़ाई करें, सबसे बड़ी बात यह। तो अब स्टूडेंट क्या किया जाए, तो यही है अपने घर से निकलिए और फिर रोड पर आना पड़ेगा, सभी लोग एक तरह से जोर लगा के एक तरह से उखाड़ फेंकना है, और इस पर जो भी प्रोग्रेस होगा जो भी निर्णय लिया जाएगा उसको हम बताएंगे। आप लोग जुड़े रहिएगा और नया नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबा दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसको शेयर कीजिए ताकि इसको समझ सकें कि क्या है नॉर्मलाइजेशन या परसेंटाइल। परसेंटाइल एक मगजमारी हो गई है, समझ लीजिए कि अब ये हमारा अंधकार लेके डूबेगा सभी स्टूडेंट का, ठीक ना। और इसमें कितना करप्शन होगा, कितना ये बोले कि पारदर्शिता तो अभी रख ही नहीं पा रहे हैं। उस दिन लड़के सब गए थे तो बोले कि आपकी सब भावनाओं को रखी जाएगी, लेकिन नहीं, क्या भावना क्या समझदारी, सब क्या लूट खरोक मचा के एकदम मजा ले रहे हैं, बस कुर्सी का अपना मजा ले रहे हैं सब, ठीक ना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नए अपडेट के साथ। थैंक यू फॉर द वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।